हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो क्लासिक्स चैप्टर 2 फैक्टर एंड मल्टीपल एक्सरसाइज 2C आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राइम फैक्टर्स के बारे में। ए फैक्टर इज अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। अ फैक्टर इन दिस फैक्टर इज प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। जैसे आप जानते हैं कि 12 इज डिवाइजेबल बाई 2 and 3, सो 2 and 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 and 3। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जाम्पल में एक हमने दिया है, यहाँ पे 36 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 1, 2 8 16, 2 से इसको करेंगे 2 9 18, 3 से करेंगे 3 3 9, दस 2 into 2 into 3 into 3 into 3 इस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। या आप दूसरे तरह से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 36 का बनाना है तो ऐसे भी तुम बना सकते हो। जैसे अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि इसमें किससे डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप 2 से इसको देखें कि डिवाइजेबल है कि नहीं। तो इसके यूनिट प्लेस पर 6 है, 2 से डिवाइड है तो 2 से इसको कटाएंगे, 2 1 2 1 2 2 8 16। फिर इसके यूनिट प्लेस पर 8 है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18, ये 3 3 9 और 3 1 3। इस तरह से भी आपका आ जाएगा क्या, 2 into 2 into 3 into 3। एक चीज और इसमें आपको देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में, जैसे डिवाइड करो 2 into 2 लिखते हो तो आप 2 to the power 2 भी लिख सकते हो। इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बोलते हैं। 2 into 2 into 2 है, अगर 2 को 3 बार गुना किया हुआ है 2 to the power 3 हो जाएगा। अगर 2 into 2 into 2 into 2 है तो ये 2 to the power 4 हो जाएगा। उस तरह से अगर आप इसको करते हो तो इसका हो जाएगा आपको 2 into 2 into 3 to the power 2। तो ये हो गया। हाँ तो स्टूडेंट, इसका एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 2C में। इसमें बोल रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 90। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो 90 का अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले हम छोटे नंबर से, जैसे 2 से देखेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तब 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो फिर अगला देखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी यदि उस संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो, तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 2 4 जाए 8, इसमें से 1 आ गया, 1 बच गया और ये 0 आ गया, तो 10 हो गया। 2 5 जा 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 से देखेंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, यूनिट प्लेस पर इसके 5 है। तो 3 से देखते हैं तो 4 और 5 दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आ गया। 9 3 का मल्टीपल है, सो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 1 15, 3 5 जा 15, फिर इसको 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 into 3 into 3 into 5। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में जाएंगे तो 2 into 3 to the power 2 into 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एक एग्जांपल है, कोई 18 नंबर क्वेश्चन है, 4335। इसको बताते हैं स्टूडेंट, तो 4335 है ये। आप देखेंगे ये 2 से आपको नहीं कटने वाला है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस भी 5 है। 3 से देखेंगे तो 4, और इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो 4 3 4 3 7 7 3 10 10 5 15, 15 इज डिवाइडेड बाय 3, सो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 1 बच गया, 13 हो गया, 3 4 जा 12 1 13, 3 4 जा 12 1 15, 3 5 जा 15। फिर इसको देख लीजिए, 4 1 5 5 4 9 9 5, 5 4 9 4 13 1 14, नहीं ये अब 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट और टेन प्लेस की संख्या जो 45 बन रही है, 4 से डिवाइड नहीं होती है।
तो ये सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से इसको करेंगे, 5 2 जा 10, 4 44, 5 8 जा 44, 5 9 जा 45। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे 289 आ गया आपको, तो ये आपको 3 से तो डिवाइड नहीं है, 4 से 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं 2 से नहीं हो रहा है तो 6 से होगा ही नहीं, 2 3 दोनों से होगा तभी 6 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, ये आपका होगा 17 से, 17 17 इक्वल हो जाएगा आपका 3 × 5 × 17 टू द पावर 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हो गया। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, ये आप उतार लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी एक हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप ले लो 420 एक क्वेश्चन है, 420 आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको अगर आप करते हो तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 0 0 2 0 का 0 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करिएगा, 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10, और फिर ये 5 6 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, ये फिर 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35, और 7 से हो जाएगा 7 1 जा 7। इसको अगर आपको लिखना है स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 5 × 7, इसको करके भी देख सकते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 2 12 5 जा 16 16 7 जा 420। तो ये एक्सरसाइज 2C आप कंप्लीट कर लिए, इसको बना लेंगे एक्सरसाइज में, आप 2C कंप्लीट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम आपको फिर देखेंगे।